क्वेश्चन वी आर 2x² माइनस 5/6x प्लस 1/12. सो वेन एवर वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच वी आर हैविंग सम फ्रैक्शन, तो वॉट यू आर टू डू, यू आर टू टेक द एलसीएम एंड सिंप्लीफाई दिस. सो 6 और 12 का आपका एलसीएम विल बी 12. सो दिस विल बी 24x² माइनस 10x प्लस 1. सो दिस कैन बी रीरिटन एज 1/12 इंटू 24x² माइनस 10x प्लस 1. तो अब हमने इसको फैक्टराइज करना है. 1/12 आगे एज इट इज चलता जाएगा और 24x² माइनस 10x प्लस 1 को वी आर टू फैक्टराइज. इट मीन्स सम वी रिक्वायर माइनस 10 एंड द प्रोडक्ट इज 24 इंटू 1. प्रोडक्ट जब भी आप ले रहे हो कि प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म का प्रोडक्ट. तो 24 इंटू 1 मीन्स प्रोडक्ट 24 चाहिए. प्रोडक्ट इज अगेन पॉजिटिव. इट मीन्स जो भी हम यहाँ पे नंबर्स लेके चलेंगे वो नंबर्स हमारे क्या होने चाहिए, एड होने चाहिए. मतलब दोनों का साइन जो है वो हमारा सेम होना चाहिए. नाउ मेक द फैक्टर्स एंड टेल मी क्या लेके चलेंगे. ट्वेंटी फोर के फैक्टर्स आप बनाओगे. फर्स्ट आ जाएगा आपका 2 पे जाएगा. नो डाउट कि 2 और 12 इनका डिफरेंस हमें 10 दे रहा है, बट क्योंकि प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है तो इट मींस हमने डिफरेंस नहीं लेके चलना. जो भी हम नंबर्स ले रहे हैं उनको हमने सम को चेक करना है कि उनका सम शुड बी 10. तो अगर मैं यहाँ पे 12 और 2 को लेके चलती हूँ तो इनका सम इज 14 नॉट इक्वल टू 10, तो 2 और 12 आप नहीं लेके चलोगे. फिर इसको 2 से मैंने फर्दर किया, 6 जार आ गया. अब इनको लो, 2 2 जार 4 एंड 6, 4 प्लस 6 इनका सम आपको दे रहा है 10. तो इट मीन्स 10 को आप फैक्टराइज करोगे 4 और 10 की फॉर्म में, 6 की फॉर्म में. तो दिस इज 1/12 इंटू 24x² माइनस 10 को मैंने लिख लिया, 6 प्लस 4 और 4 प्लस 6 इन एनी वे यू कैन राइट डाउन प्लस 1. अब इनटू आ गया यहाँ पे x. सो दिस इज इक्वल टू 1/12 इनटू 24x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 1. सो 1/12 एज इट इज चलेगा. 24x² और 6x में से यू आर हैविंग दिस 6 as common. Yes, Panika? मैम ये 10 कैसे आया LCM वाला, एक बार दोबारा समझा दो कॉन्सेप्ट. बेटे यहाँ पे मेरे पास क्या था, 2x² माइनस 5x अपॉन 6 प्लस 1/12. मैंने क्या किया, LCM लिया, इसमें अपॉन में 1 था. जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, फर्स्ट टर्म हमने ली, इनटू हम क्या करते हैं LCM. तो यहाँ पे 1 था अपॉन में, तो ये 12 2 24 हो गया आपका. यहाँ पे नेक्स्ट टर्म थी मेरे पास माइनस 5/6x इंटू मैंने किया LCM, ये आपका कैंसल आउट होके 5 2 10 माइनस 10x बना. नेक्स्ट टर्म मेरी थी 1/12 इंटू मैंने LCM किया, तो ये आपके पास 1 आ गया. आप जब LCM लेते हो, ये आपको उस टाइम पे बताया गया होगा, LCM में जब आप न्यूमिरेटर्स चेंज करते हो, फुल टर्म इंटू LCM कर दो, जो कैंसिलेशन हो रही है कैंसिलेशन करने के बाद उनको मल्टीप्लाई करके लिख लो. तो यहाँ पे माइनस 5x था, अपॉन में 6 था, तो 6 2 12 है, तो 2 × 5 = 10. तो यहाँ पे माइनस 10x आ गया. आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ, पनिका. ओके, सो 10 को हमने स्प्लिटिंग कर ली, सम हमें 10 चाहिए था, प्रोडक्ट हमें 24 चाहिए था. 24 के हमने फैक्टर्स बनाए 4 एंड 6, तो ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट्स ओपन करके. अब दिस इज 1/12. अब यहाँ दोनों में आपने देखना है, 24 और 6 में से आपका 6 कॉमन आ रहा है. सो दिस इज 6x इनटू ब्रैकेट में रह गया मेरे पास 4x माइनस 1. और यहाँ पे अगेन 4x मुझे पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया और मेरे पास यहाँ क्या रह गया, 4x माइनस 1. यहाँ से मैंने मतलब कह लो कि कुछ भी कॉमन नहीं लिया, तो आई कैन से कि मैंने 1 कॉमन लिया है, ताकि मैं जब उसकी 4x माइनस 1 वाली ब्रैकेट को कॉमन लूं तो मेरी यहाँ पे किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना आए. अब अगेन हम इसको चेंज कर देंगे.
1 बाई 12 आपका अगेन एज इट इज चलेगा, 4x माइनस 1 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ये 4x माइनस 1 कॉमन लेने पे 4x माइनस 1 गया तो वी आर लेफ्ट विद 6x, 4x माइनस 1 यहाँ से गया तो वी आर लेफ्ट विद माइनस 1, तो हियर वी आर हैविंग 6x माइनस 1 और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दोगे, सो वी आर हैविंग 1 अपॉन 12 इंटू 4x माइनस 1 इंटू 6x माइनस 1. So this was your question. तो जब आपके पास इस तरह के questions आएंगे तो what you are to do, आपको simplest form में इसको लेके आना है. You are to take the LCM, LCM लेके expression आपका single polynomial बन जाएगा without any denominator, क्योंकि जो आपका LCM होगा वो आप बाहर ले लोगे, then ये बाहर वाला जो था आपका वो as it is चलता जाएगा और सिंपली जो अंदर पॉलिनोमियल है उसके हमने फैक्टराइजेशन करनी है. अब नेक्स्ट वाला जो है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क फॉर द डाउट, अदरवाइज नेक्स्ट वाला जो है वो थोड़ा सा इससे टफ है तो उसको ध्यान से करना. यस रमनीक, यू कैन अनम्यूट. मैम 4x माइनस 1 वाला स्टेप दोबारा बता दो. दिस वन, ओके, सो ये दो और ये दो, टू टू हमने इनकी पेयरिंग कर दी, 24 और 6, 24 और 6 में वी आर हैविंग 6 एज कॉमन, x स्क्वायर और x में से हमने x कॉमन लिया तो ये 6x हमने कॉमन ले लिया, 24x स्क्वायर में से अगर आपने 6x कॉमन ले लिया तो वी आर लेफ्ट विद 4x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो 6x into 4x is 24x square. Then 6x हमने कॉमन ले लिया था यहाँ से तो वी आर लेफ्ट विद माइनस 1, तो ये आ गया 4x माइनस 1. अब यहाँ पे जो मुझे नेक्स्ट ब्रैकेट बनानी होती है, नेक्स्ट ब्रैकेट में ये और ये चीज आपकी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे माइनस 4x प्लस 1 था, 4x मुझे पॉजिटिव चाहिए तो दिस विल बी 4x माइनस 1, तो ये आ गया आपके पास, तो 4x माइनस 1 जो है वो हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में था, तो 4x माइनस 1 आपका यहाँ से बाहर गया तो वी आर लेफ्ट विद 6x, 4x माइनस 1 आपका यहाँ से बाहर गया तो वी आर लेफ्ट विद माइनस 1, तो सेकेंड ब्रैकेट आ गई हमारी 6x माइनस 1. सो इफ स्टिल एनी डाउट इज देयर सो यू कैन आस्क. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नेक्स्ट वन, तो उसको ध्यान से करना क्योंकि वो रूट वाले हैं, तो रूट वाले में ही ज्यादातर आपको कंफ्यूजन होती है, तो डू दैट केयरफुली. So we are having factorize root 3x square. Plus 11x. plus 6 root 3. अब सम कितना चाहिए मुझे, मिडल टर्म 11 है और प्रोडक्ट चाहिए मुझे, प्रोडक्ट में आपने ध्यान रखना है, प्रोडक्ट में रूट 3 इंटू 6 रूट 3. तो जब आप रूट थ्री इंटू 6 रूट 3 करोगे, 6 विदाउट रूट है वो मैंने अलग से लिख लिया, रूट के नीचे जब आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज इक्वल टू द सेम नंबर विदाउट रूट, तो रूट ए इंटू रूट ए इज ए, तो सेम वे में रूट थ्री इंटू रूट 3 विल गिव यू 3, तो दिस इज 6 थ्री आर 18, यानी कि प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए दैट इज इक्वल टू 18, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है. तो जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो a इंटू सी प्रोडक्ट आना चाहिए, अब 18 के मुझे चाहिए यहाँ पे फैक्टर्स, और सम जो है दैट शुड बी 11, प्रोडक्ट होना चाहिए मेरा 18 एंड द सम शुड बी 11, तो 18 के हम फैक्टर्स बनाते हैं, 2 9s are, सम दोनों का देखो दैट इज 11. यस ईवा, मैम आंसर ही देना था 9 एंड 2. सो दिस इज रूट 3x स्क्वायर प्लस 11 के मैंने फैक्टर्स बना दिए, 2 प्लस 9, 9 प्लस 2 लिख देती हूँ मैं क्योंकि आगे 3 है जो 9 के साथ लिंक्ड है, पीछे 6 है जो 2 के साथ लिंक्ड है, तो मैंने मतलब थोड़ी सी यहाँ आप अपनी स्मार्टनेस दिखा सकते हो तो मैंने उसको 9 प्लस 2 लिख दिया, अदरवाइज आप 2 प्लस 9 भी लिखोगे देन ऑल्सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, मे बी शायद वो ज्यादा ईजी हो जाए, तो चलो मैं 2 प्लस 9 ही ले लेती हूँ यहाँ पे, प्लस 6 रूट 3. अब यहाँ इसको ले लो, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस नाइन एक्स प्लस सिक्स रूट थ्री, टू टू की पेयरिंग कर दो. नाउ रूट थ्री है यहाँ पे, हियर वी आर हैविंग सिक्स टू, टू और रूट थ्री में नथिंग इज कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स इज कॉमन, तो हेयर आई एम लेफ्ट विद रूट थ्री एक्स प्लस टू. तो ये ज्यादा इजी हो गया. अब अगले देखो, नाइन है और सिक्स है. अब एक चीज का यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे एक्स के साथ क्या चाहिए, रूट थ्री चाहिए. ये एक्स के साथ मुझे क्या चाहिए, रूट थ्री. यानी कि नाइन के अब मुझे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे रूट थ्री की टर्म्स में. तो थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री. तो ये जो चीजें आप कर रहे हो इसमें आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. जो मुझे जब मैं फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, जो मेरी फर्स्ट ब्रैकेट बन रही है द सेम शुड बी माई सेकेंड ब्रैकेट. तो इट मीन्स मुझे एक्स के साथ कॉफिशियंट क्या चाहिए, रूट थ्री चाहिए. तो x के साथ कॉफिशियंट रूट थ्री, अभी मेरे पास यहाँ पे x के साथ कॉफिशियंट क्या है, नाइन. तो नाइन में से रूट थ्री बाहर निकालने के लिए मैंने नाइन की फर्दर जो है स्प्लिटिंग की फैक्टर्स लिए इसके. नाइन कैन बी रिटन एज थ्री इंटू थ्री, क्योंकि मुझे थ्री के साथ बनाना था. अब मुझे रूट थ्री चाहिए तो थ्री को फिर मैंने फर्दर रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख लिया. अब ब्रैकेट में मुझे क्या चाहिए, रूट थ्री. तो एक रूट थ्री मैंने अलग ले लिया, रह क्या गया, थ्री रूट थ्री. इट मीन्स इस नाइन में से थ्री रूट थ्री मुझे बाहर लेना है. सो दिस थ्री रूट थ्री. अब ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स रूट थ्री में से आप थ्री रूट थ्री बाहर ले चुके हो, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ टू. तो ये ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपकी दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम आ जाएंगे. सो एक्स इंटू रूट थ्री एक्स प्लस टू प्लस थ्री रूट थ्री इंटू थ्री एक्स प्लस टू, रूट थ्री एक्स प्लस टू. अब रूट थ्री एक्स प्लस टू आप कॉमन ले लोगे, थ्री रूट थ्री एक्स प्लस टू बाहर आया, वी आर लेफ्ट विद एक्स. ये रूट थ्री एक्स प्लस टू बाहर आया, वी आर लेफ्ट विद थ्री रूट थ्री. सो दिस विल बी द फैक्टर्स. सो इफ एनी डाउट इज देयर, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट. इफ एनी ऑफ द डाउट इज देयर, यू कैन आस्क योर डाउट. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डाउट. ओके फाइन देन. Moving on to the next question. Next is again related to the same concept. This is 2 root 3x square plus x minus 5 root 3 minus 5 root 3. So, अब यहाँ पे आप देखोगे sum x का coefficient मुझे 1 चाहिए और product. This is 2 root 3 into 5 root 3 with minus sign. So 2 5s are 10. So product aa gaya minus 2 5s are 10. Root 3 into root 3 is 3. So product mujhe chahiye minus 30. सम मुझे चाहिए वन. अब यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है. व्हेनेवर द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, इट मींस जो मुझे ये वन चाहिए दैट आई विल ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब दोनों नंबर्स का डिफरेंस, प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब दोनों नंबर्स का सम. अभी तक हमने सम वाले किए थे, अब ये डिफरेंस वाला है. अब मुझे दो नंबर्स इस तरीके से लेने हैं कि उनका जो डिफरेंस है वो वन आए. तो 30 के फैक्टर्स बना लेंगे, 2 एंड 15. 15 और 2 का डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 1, तो अगेन फैक्टर्स बनाएंगे. 3 5 आर, 3 2 आर 6, 6 और 5 का डिफरेंस इज 1. तो इट मींस जो मैं अब यहाँ पे 30 के फैक्टर्स बनाऊंगी दैट विल बी 6 एंड 5 माइनस 5. सो 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एज इट इज लिया, 1 जो x के आगे कुछ भी नहीं है मींस 1 है, इसको मैंने 6 माइनस 5 लिख लिया क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव था. तो डिफरेंस ऑफ नंबर्स लेके चल रहे हैं, x एज इट इज माइनस 5 रूट 3 एज इट इज. अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करनी है, नेक्स्ट स्टेप. सो दिस इज 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 रूट 3. नाउ फैक्टराइजेशन कर लेंगे. अब देखो इस वाले में 2 रूट 3 है, इसमें 6 है. यहाँ से अगर मैं देखूं तो 2 रूट 3 मेरा हो गया 2 इंटू रूट 3. 6 जो है दैट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3.
अब ऊपर वाले में मेरे पास रूट थ्री है, तो इट मीन्स थ्री को मैं फर्दर क्या लिख लूंगी, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो इट मीन्स टू रूट थ्री यहाँ भी है, टू रूट यहाँ भी है, थ्री यहाँ भी है, तो टू रूट थ्री इंटू एक्स को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे. सो दिस विल बी एक्स प्लस रूट सिक्स में से क्या रह गया यहाँ पे आपके पास, रूट थ्री. अगर इन दोनों में नहीं समझ आ रही, नेक्स्ट वाले पेयर को चेक कर लो. नेक्स्ट वाले पेयर में मेरे पास क्या है, माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव रूट थ्री, तो यहाँ से मुझे क्लियर कट पता लग रहा है कि माइनस फाइव ही कॉमन आएगा. तो पहले ये वाला पेयर ले लो, माइनस फाइव कॉमन ले लिया, तो रह क्या गया, एक्स प्लस रूट थ्री. यानी कि अब इसमें से मुझे ऐसा चीज जो है वो कॉमन लेनी है कि एक्स का कॉफिशियंट मेरे पास वन हो जाए. एक्स का कॉफिशियंट वन हो जाए मीन्स टू रूट थ्री था भी उसका कॉफिशियंट, तो वो पूरे का पूरा बाहर आ जाएगा. तो चाहे आप ऐसे फैक्टर्स बना के कर लो, चाहे आप ऐसे फैक्टर्स बना के कर लो, सो यू विल गेट द सेम थिंग. अब एक्स प्लस रूट थ्री यहाँ, एक्स प्लस रूट थ्री यहाँ, दोनों ब्रैकेट्स सेम मीन्स यहाँ तक मेरा सम सही है. एक्स प्लस रूट थ्री आई विल टेक आउट एज कॉमन. अब एक्स प्लस रूट थ्री मैंने बाहर ले लिया, वट आई एम लेफ्ट विद, टू रूट थ्री एक्स, और x plus root 3 बाहर गया, what we are left with, minus 5. So these are the required factors. So जब root वाले आएंगे आपके इस तरीके से कि starting और end में आपका root है, उनका product, product में हमेशा बस ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ये नहीं करना कि जो last आपकी constant term है आप उसको लेके चलो. जब हम product की बात कर रहे हैं तो इन दोनों को लेके चलना है आपने. Now moving on to the next one. यहां तक इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क. नाउ मूविंग ऑन टू ओके क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास. फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स. अब यहाँ पे जो है हमारे पास मिडल टर्म रूट वाली है, ये वाली दोनों टर्म्स सिंपल है. तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि मिडल टर्म रूट वाली है बाकी सिंपल है, तो सेम सम चाहिए मुझे थ्री रूट थ्री और प्रोडक्ट चाहिए मुझे सिक्स इंटू, यहाँ पे कॉफिशियंट वन था तो सिक्स इंटू वन प्रोडक्ट चाहिए आपको सिक्स, सम चाहिए थ्री रूट थ्री. अब ऐसे क्वेश्चंस में आपने ध्यान से करना है, क्योंकि अभी तक तो हम सिंपली कर रहे थे, हमें मिल रहा था. अब यहाँ मुझे ये ध्यान रखना है कि जो मुझे सम चाहिए उसमें रूट जरूर चाहिए. और रूट मेरे पास कब आएगा, थ्री रूट थ्री मेरे पास कब आएगा, जब मैं इसकी स्प्लिटिंग करूंगी और दोनों टर्म्स में प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव है, इट मीन्स मैं उनको ऐड कर रही हूँ. तो जब मैं उनको कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, तो ये मुझे दोनों के साथ अगर मिल रहा है देन आई विल गेट दैट रूट थ्री इन द सम. तो इट मीन्स जब मेरे को दोनों नंबर्स के साथ वो रूट चाहिए, तो ये जो थ्री है वो मेरा यहाँ से कवर हो जाएगा. यानी कि प्रोडक्ट का जो सिक्स है इसमें से थ्री मुझे इन रूट थ्री प्लस रूट थ्री से मिल जाएगा. तो रह क्या गया, प्रोडक्ट टू. यानी कि अब जो बाकी मुझे प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाने हैं वो क्या बनाने हैं, टू के साथ बनाने हैं. और सम बाकी कितना चाहिए, रूट थ्री हटा दो, रूट थ्री हटा देंगे क्योंकि रूट थ्री दोनों नंबर्स के साथ हमने लेना ही लेना है. इट मीन्स सम मुझे थ्री चाहिए, प्रोडक्ट मुझे टू चाहिए. तो प्रोडक्ट के फैक्टर्स बना लिए, टू वन जार टू, सम थ्री आ रहा है इनका और प्रोडक्ट कितना आ रहा है, दैट इज टू. तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट थ्री को स्प्लिट कर लिया, टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री, वन रूट थ्री को लिख लिया हमने रूट थ्री प्लस सिक्स. दोबारा देख लो इस चीज को, जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होता है जहां पे मिडल टर्म में रूट वाली टर्म आपको गिवन है, तो मिडल टर्म में जो रूट वाली टर्म है आपने क्या करना है, उसका रूट हटा के प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो. ठीक है, थ्री रूट थ्री था, रूट थ्री का रूट हटाया, थ्री रह गया, प्रोडक्ट को आपने उससे डिवाइड कर दिया, प्रोडक्ट कितना रह गया आपके पास, टू. अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं इस तरीके से कि जो रूट के आगे वाला नंबर है मुझे वो सम या डिफरेंस, डिपेंडिंग ऑन इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अब क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इट मींस दोनों नंबर का हमें सम चाहिए. तो सम हमारे को कितना चाहिए, थ्री. सम जब आप चेक करोगे विदाउट रूट चेक करोगे, प्रोडक्ट जब आप लेके चलोगे, जो एक्चुअल प्रोडक्ट आपको चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्ट को आपने रूट वाले नंबर से डिवाइड कर देना है.
तो रूट वाला नंबर हमारे पास यहाँ 3 था, 3 से डिवाइड करके प्रोडक्ट, अब मुझे 2 चाहिए, यानी कि मुझे जो फैक्टर्स बनाने हैं वो 2 के बनाने हैं, और सम रूट वाले को छोड़ दो, 3 चाहिए, तो 2 के फैक्टर्स आपके आ गए 2√3 + √3, 3√3 था तो √3 दोनों के साथ मैंने आगे लगा दिया फैक्टर्स, अदरवाइज मेरे 2 और 1 आए हैं। अब अगेन आपने ये स्टेप किया, अगेन आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 2√3x + √3x + 6, पेयरिंग कर दो। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला फैक्टर से जो है वो मुझे बनाने इजी हैं, क्योंकि x का कोफिशियंट 1 है, मींस इन दोनों में से 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ गया, व्हाट आई एम लेफ्ट विद x + 2√3। अब x का कोफिशियंट मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे क्या है √3, तो +√3 हम बाहर ले लेंगे, सो अंदर ब्रैकेट में मेरे पास क्या रह जाएगा, x + 2√3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, √3 × 2√3, √3 × √3 = 3, तो ये आपके पास 6 आ रहे हैं, तो इट मींस आपका सम करेक्ट है। अब x + 2√3 दोनों ब्रैकेट्स में से बाहर आ जाएगा, x + 2√3 बाहर आ गया, व्हाट आई एम लेफ्ट विद x + 2√3 बाहर आ गया, व्हाट आई एम लेफ्ट विद +√3। So these are the factors. If any of the doubt is there in this question, then you can ask. Otherwise, इसी टाइप का और क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक। Next जो है हमारे पास क्वेश्चन है x² + √3x - 30। अब देखो सम चाहिए मुझे 3√3, प्रोडक्ट चाहिए मुझे 1 × -30 यानी कि -30। अब प्रोडक्ट माइनस यानी कि डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, आपको मैंने क्या कहा था, अब जो हमने चेक करना है कि प्रोडक्ट के इसके लिए फैक्टर्स बनाने हैं और उसके लिए फैक्टर्स बनाने हैं, उसके लिए अब ये रूट वाला है, विदाउट रूट प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो, प्रोडक्ट कितना रह गया -10, यानी कि अब मुझे 10 के फैक्टर्स बनाने हैं, 10 के फैक्टर्स इस तरीके से बनाने हैं कि सम मेरे पास 3 आए, √3 नहीं लेना साथ में, अब सम कितना आए 3। तो ये सबसे सिंपल मेथड है, आपने क्या करना है, फैक्टर्स किसके बनाने हैं उसके लिए आपने क्या करना है, जो जब ये मिडल टर्म में रूट वाली टर्म है, तब जो आपका यहाँ पे रूट है विदाउट रूट, उससे प्रोडक्ट जितना एक्चुअल में चाहिए डिवाइड कर दो, जो डिवाइड करके आएगा उसके फैक्टर्स बनाओ, सम पॉजिटिव है तो एडिशन ऑफ नंबर्स जो है देखनी है, अगर सम नेगेटिव है तो डिफरेंस ऑफ नंबर्स देखना है यहाँ पे, क्योंकि सम नहीं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो डिफरेंस ऑफ नंबर्स देखना है, प्रोडक्ट यहाँ नेगेटिव है, इट मीन्स अब मुझे सम विदाउट रूट चेक करना है, सम मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए, तो 10 के फैक्टर्स बना लेंगे विद डिफरेंस 3 चाहिए, नॉट सम, सो 2 5s are 10, तो 2 और 5 का आई कैन सी द डिफरेंस इज 3, तो फैक्टर्स बन जाएंगे x² + 3 के 5 और 2 लेके चल रहे हैं हम, तो बाहर क्योंकि प्लस का ही साइन है, तो 5 - 2, √3 दोनों के साथ आपने लगाना ही लगाना है, × x - 30। अब ये बन गया आपके पास x² + 5√3x - 2√3x - 30। इन दोनों को और इन दोनों को ले लो, x कॉमन आ जाएगा, वी आर लेफ्ट विद x + 5√3, माइनस कॉमन आ गया, अब ब्रैकेट में मुझे क्या चाहिए x + 5√3, तो x का कोफिशियंट 1 चाहिए, इट मींस 2√3 को मैं बाहर ले लूं। अब x + 5√3 कॉमन आ जाएगा, x + 5√3 आपने बाहर ले लिया, क्या रह गया x + 5√3 आपने बाहर ले लिया -2/√3, तो दिस इज योर आंसर। सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, अगर मिडल टर्म में रूट है तो आपने ये मेथड फॉलो करना है, अगर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे जिसमें
ए और सी वाली, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और कांस्टेंट टर्म्स जो है वो आपकी रूट में है, तो आपने इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. एक दो और करवा रही हूं मैं रूट वाले. अब ये क्वेश्चन चलो ऐसे करो, खुद ट्राई करो. वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स रूट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स रूट टू एक्स प्लस टेन. सम चाहिए सिक्स रूट टू, प्रोडक्ट चाहिए टेन. सेम मेथड आप फॉलो करोगे, रूट के नीचे वाला नंबर विदाउट रूट प्रोडक्ट को डिवाइड करो एंड देन चेक कि सम कितना चाहिए. हरी अप, बी क्विक. वी नीड प्रोडक्ट एज टेन एंड सम एज सिक्स रूट टू. फैक्टर्स बताइए पहले क्या बनेंगे. आई हैव गिवन यू द ऑप्शन टू अनम्यूट, इफ एनीवन हैज सॉल्व तो यू कैन unmute yourself and give answer. Sum required is 6 root 2 and the product is 10. आपको मैंने क्या कहा था कि जो root के नीचे number है product को उससे divide कर दो, यानी कि अब मुझे product 5 चाहिए और क्योंकि product positive है तो sum of numbers should be रूट को छोड़ के सिक्स, तो प्रोडक्ट फाइव, हाँ फाइव एंड वन. सो दिस विल बी रिटन एज फाइव रूट टू, साथ में लगाना ही लगाना है. वन रूट टू को आप रूट टू भी लिख सकते हो, वो लगाना ही लगाना है. सो ब्रैकेट्स ओपन कर लो. फाइव रूट टू एक्स प्लस रूट टू एक्स प्लस टेन, इन दोनों को लो, इन दोनों को लो, x कॉमन आएगा, x प्लस फाइव रूट टू. अब मुझे x का कोफिशियंट वन चाहिए तो प्लस रूट टू बाहर ले लिया मैंने और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x प्लस फाइव रूट टू. अब अगेन x प्लस फाइव रूट टू आप बाहर ले लोगे, क्या रह जाएगा, x प्लस रूट टू. सो नोट डाउन टू थ्री क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क that you will try, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि इतने आप इसमें expert नहीं होगे जब तक आप खुद नहीं करोगे इनको. So tomorrow if any doubts will be there, तो we will discuss. So note down these four questions that you will try yourself. Now we will move on to some next type. So I hope you have noted down the statement. Now moving on to the next one.
Okay, the time is over now. Just 1 minute is left. So in the next period, we will do rest of the questions. If any doubt is there from today's lecture, then you can unmute yourself and ask your doubt. Otherwise, I'm ending the meeting as the time is over. Thank you. Have a nice day. Yes, Ashmit. Ma'am, do we have to do, ma'am, fourth exercise, fifth question?